नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है ह्यूमन लाइफ का, जिसको मास्टर करने की इच्छा हर इंसान की रहती है ना। हर इंसान जो भी इस धरती पर आया है उसकी एक इच्छा ज़रूर रहती है कि वो अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा ले, है ना। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ये करने में सफल नहीं हो पाते हैं और लाइफ के लास्ट तक भी गुस्सा उन पर हावी रहता है, या कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो जाए या ऐसी कोई बात बोल दे जो उनको बुरी लगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं ना। तो देखो, पहले तो हर इंसान को ये समझना चाहिए गुस्सा एक नॉर्मल और बिल्कुल कॉमन इमोशन है। ठीक है, गुस्सा जो है, क्रोध जो है, एक बहुत ही एकदम नॉर्मल भाव है वो, है ना। हर इंसान को गुस्सा आता है, हर प्राणी को गुस्सा आता है ना, हर इंसान को गुस्सा आता है। ठीक है, तो क्या है, हम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये सोचे कि गुस्से को बिल्कुल बंद कर दें या गुस्सा कभी ना आए, है ना। पर होता क्या है, हमको गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, हमको क्या करना है, गुस्से को समझ के उस पे क्या किस चीज़ को कंट्रोल करना है, जो गुस्से में लिए गए एक्शंस को कंट्रोल करना है हमको। ठीक है, गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, गुस्से में लिए गए एक्शंस को कंट्रोल करना है, गुस्से में किए गए कर्मों को बदलना है ना। तो देखो कैसे, इसका मैं पहले एक एग्जांपल देखूँ, किस कैसे कैसे तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के, है ना। जैसे मान लो हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन जिस तरह से वो गुस्से को एक्सप्रेस करेंगे वो हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। मतलब गुस्से में लिए गए एक्शंस हर इंसान के डिफरेंट होंगे और उसके कर्म भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को गुस्सा आएगा तो मान लो एक इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा, कोई दूसरा इंसान है मान लो उसको गुस्सा आया तो वो एकदम शांत हो जाएगा, कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। कुछ लोग गुस्से में खाना नहीं खाते हैं, कुछ लोग गुस्से में तोड़फोड़ करते हैं, कुछ लोग गुस्से में भाई आग लगा देते हैं, कुछ लोग गुस्से में कुछ भी कर, जैसे गुस्से में बहुत से लोग मर्डर्स कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं ना, क्योंकि उनको गुस्से की समझ नहीं है और गुस्से में लिए गए एक्शंस का उनको कॉन्शियस नहीं है, वो अपने एक्शंस के, और अपने एक्शंस को कंट्रोल करना नहीं आता है। इससे क्या होता है, वो आगे जाकर क्रिमिनल बन जाते हैं ना। और बहुत से लोग होते हैं गुस्से में बिल्कुल ही आर्ट बनाने लगेंगे, जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो गुस्से में आर्ट बनाते हैं। तो देखा ना, किसी किसी आर्टिस्ट की गुस्से वाली जो आर्ट देखोगे वो कितनी एग्रेसिव होती है, कि उस आर्ट में, उस कला में ही आपको एक इमोशन दिखेगा कि हाँ ये एंगर वाला इमोशन है ना। गुस्से में लोग डांस करते हैं, गुस्से वाला सॉन्ग होता है, गाना होता है ना। बहुत से लोग गुस्से में क्या होते हैं, पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। बहुत से लोग गुस्से, जब गुस्सा आता है तो घर में सफाई करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाने लगते हैं। बहुत से लोग गुस्से में क्या करते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं। बहुत से लोग गुस्से में भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ये क्या हो गया, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गुस्से में जैसे उनको पता चला गुस्सा आया या मार्केट में कुछ चीज़ नहीं दिलाई तो वो ज़मीन पर लेट जाते हैं, गुस्सा हो जाएंगे, है ना, खाएंगे नहीं या मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये गुस्से में लिए हुए एक्शंस की रेंज है ना। गुस्से का जो एक इमोशन आया तो हर इंसान ने उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। अब कुछ एक्शंस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना, कुछ एक्शंस ये होते हैं कि उस इमोशन से आर्ट निकल के आती है ना, एक कला निकल के आती है, जैसे कि ड्राइंग, डांस, सिंगिंग, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि उस इमोशन से वो आपको शांत कर देते हैं, है ना। कुछ लोग एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि पोएम लिख देते हैं, है ना। देखा, इतने बड़े बड़े पोएट्स रहते हैं, देशभक्ति की पोएम लिखते हैं, देशद्रोह पे पोएम लिखते हैं ना, तो वो पोएम लिख दिया। तो हमको यही करना है, कोई भी इंसान अपने गुस्से को बिल्कुल, ये एक क्योंकि फीलिंग है, ये एक इमोशन है, आप इमोशंस को कभी भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते, है ना। बस आप क्या बदल सकते हो, आप बदल सकते हो अपने एक्शन। आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उस इमोशन से निकले हुए एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो और बदल सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आए तो ये नहीं कि अरे मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। आप एक्सेप्ट करो,
खुद को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करो खुद को, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं, ये बोलो कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आता है और मुझे इस बात पर गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्से में कोई भी गलत एक्शन नहीं लूँगा या लूँगी, कोई भी मैं डिस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, है ना। फिर आप उस गुस्से को समझिए कि आपको उस गुस्से के पीछे का कोई ना कोई तो कारण होगा, बेवजह तो किसी को गुस्सा आएगा नहीं, है ना। कोई इंसान बेवजह तो कोई फीलिंग फील करता नहीं है, बेवजह तो कोई इमोशन आपके अंदर उठते नहीं है, है ना। हर इमोशन के पीछे एक रीज़न होता है, कारण होता है ना। फिर आप जो आपका एंगर वाला इमोशन है, गुस्से वाला इमोशन है, उसके पीछे का कारण देखो, फिर कारण को समझो और उस कारण को प्रॉब्लम मान के उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो, है ना, ना कि एकदम से एक्शन ले लो, है ना। और ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि गुस्सा एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का इमोशन है, एक नेगेटिव इमोशन है, एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम गुस्सा हमेशा डिस्ट्रक्शन ही करता है, गुस्सा हमेशा आपका नुकसान ही करेगा। और एक बात समझ लेना कि जो गुस्सा है, जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा होना, उदास होना, कोई भी नेगेटिव कर्म जो है, झूठ बोलना, है ना, डरना या फिर जेलसी करना, ये जितने भी नेगेटिव इमोशन है ना, इंसान सोचता है कि इससे बाहर नुकसान होगा, नहीं। आप खुद को ये समझा लीजिए कि नेगेटिव इमोशन मेरा ही नुकसान करेंगे। अगर आप किसी और इंसान से जेलसी भी रखते हैं, अगर जलन करते हैं, तो उस इंसान का कुछ नुकसान नहीं होगा, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए किसी भी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो, बस आपको क्या कंट्रोल करना है, अपने एक्शंस को कंट्रोल करना है, अपने कर्मों को कंट्रोल करना है ना। तो ये ऐसे ही आप हर इमोशंस के साथ डील कर सकते हैं, अपने कर्मों को करेक्ट करके, अपने कर्मों को शांत करके, है ना, और अपने कर्मों को समझदार बनाकर, है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसे हमको अपने एंगर से डील करना चाहिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और अगर आप कोई और ऐसा इमोशन है जिसको आपको समझने में या किसी को बोलने में या अपने मन से निकालने में कठिनाई या डिफ़िकल्टी है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो इमोशन को पूछ सकते हैं कि उस इमोशन से कैसे डील करें, है ना। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।